अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़ एक नई वीडियो में आपके साथ। सर, ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों में जो नए ख़ास तौर पे होते हैं स्टॉक मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं, उनके माइंड में आता है, वो ये आता है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन क्यों होती है, वॉलीटिलिटी क्यों होती है, कीमतें तेज़ी से ऊपर नीचे क्यों होती हैं। देखिए, इसकी वजूहत ये हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, एक आदमी काम नहीं कर रहा होता, हर एक की सोच मुख्तलिफ होती है, हर एक के गोल्स मुख्तलिफ होते हैं, हर एक की होल्डिंग पावर मुख्तलिफ होती है, हर एक कोई ट्रेडर होता है, कोई इन्वेस्टर होता है, और कोई कुछ भी नहीं होता, बिला वजह ही वो मार्केट में आ गया होता है, उसे खुद भी पता नहीं होता मैं क्यों आ गया और मैंने ये शेयर क्यों ख़रीद लिया है। अब इतने सारे लोग, जब इतना सारा हजूम होगा तो उसमें नॉइस जो है वो आपको बहुत सारी आएगी। ये जो नॉइस है, ये इसको आप इसकी अप और डाउन मूवमेंट आप समझिए शेयरों की। जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं वो ख़बरों से बड़ी सेंसिटिव होती हैं और वो कोशिश करती हैं कि फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं, नियर फ्यूचर में और डिस्टेंट फ्यूचर में, उसको पहले ही उसका रिएक्शन दे दें, उसको डिस्काउंट कर दें। मसलन अगर 6 महीने बाद कोई अच्छी खबर आ रही है तो एकदम मार्केट चढ़ जाएगी, और 3 महीने बाद कोई बुरी खबर आ रही है तो एकदम मार्केट गिर जाएगी। इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। आपने सिर्फ ये ढूंढना है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आपकी होल्डिंग पावर क्या है, आप कितना सरमाया मार्केट में लाना चाहते हैं, कितना आप होल्ड करना चाहते हैं, कितना आप फौरी तौर पे निकालना चाहते हैं। आपने ख़ुद को देखना है कि मेरी क्या जगह इस मार्केट में बनती है, मुझे किन स्क्रिप्ट्स में काम करना चाहिए, मुझे किन कंपनीज में काम करना चाहिए। आपने ओवरऑल मार्केट को नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना है और अपनी जगह आपने बनानी है। जैसे एक फैक्ट्री है, एक दफ्तर है जिसमें आप जॉब करते हैं, तो आप अपने डेस्क पर जाते हैं ना, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो चक्कर नहीं लगाते रहते कि वो PN क्या कर रहा है, MD क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ए क्या कर रहा है, बी। यू फोकस ऑन योर डेस्क, यू डू योर वर्क एंड यू ट्राई टू डू योर पार्ट। आप अपना हिस्से का जो काम है वो करना चाहते हैं। इसी तरह मेरी आपको ये एक सजेशन है कि आप बजाय रैंडम जंप लगाने के इधर से उधर, आप खुद पर वक्त लगाएं, सीखने पर वक्त लगाएं। अक्सर लोग जो हैं वो सीखने पर मेहनत करने को तैयार नहीं हैं और फिर वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही, हमें कोई गाइड ही नहीं करता। अब मुझे आप एक बताएं कि 215 वीडियोस बनाकर रख दी हैं और अभी वो कहते हैं हमें कोई गाइड ही नहीं करता, यानी और उनको किस तरह गाइड किया जाए। अब अगर आप उसे देख नहीं सकते, देखें भाईजान, मैंने पहले भी इस पर कई बार जिक्र किया है कि 16 साल की एजुकेशन जिसमें आप लाखों रुपए की फ़ीसें देते हैं, आजकल अच्छे जो स्कूल हैं 30-40 हज़ार रुपया महीने की फ़ीस है, तो एक साल के अंदर वो 4-4.5 लाख रुपया एक बच्चा जो है फ़ीस देता है, और 10 सालों में 50-60 लाख रुपया वो फ़ीस देता है स्कूल को, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, करोड़ 1.5 करोड़ रुपये तक ये खर्चा बैठता है, कहीं 80 लाख है, और फिर जाके वो 12-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए धक्के खाता है। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बना के दे दिया गया है जिसे आप अपने बेडरूम में देख सकते हैं, टोटली मुफ्त है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई उस पर नहीं है। 30 मिनट्स अ डे आपने लगाने हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर 30 मिनट आप ईमानदारी से लगा लें, उसके नोट्स बना लें, तो 2.5 से 3 महीने के अंदर आप ये 500 वीडियो सारी देख लेंगे और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको जो है बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम हमारा जो है कारोबार के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं पता, जो लोग करते हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। एक बात याद कर लें कि जो किताब को पढ़ेगा समझ उसी को आएगी, तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, फिर चीज़ें समझ आ जाती हैं। उसके बावजूद भी आपके क्वेश्चंस हो, पहले प्रोग्राम आप देखें, अगर आपके कोई सवालात हों, कोई चीज़ों पे आपको क्लैरिटी चाहिए हो, तो फिर आप 1-on-1 सेशन बुक करके उसमें उन सवालात के जवाब भी ले सकते हैं, फर्दर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पहले आप उस प्रोग्राम को तो पूरे ध्यान और तवज्जो से देखें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस मेहनत का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत कुछ जान रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपने बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस अपील पर गौर करेंगे और तमाम वीडियोस को ध्यान से देख के उनसे मुस्तफ़ीद होंगे।
अल्लाह ताला आप सब की मदद करे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।